शुनाम के करीब समंदर में तरकीन वतन की कश्ती जोड़ के सुनहरे मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब आंखों में सजा कर समंदर पार जाने वाली बेरहम लहरों के हवाले हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन सामईन। मेरी आज की वीडियो दुखी दिल के साथ माओ के उन बेटों के नाम जो बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब आंखों में सजाए यूरोप के सफर पर निकले तभी ना वापस आने के लिए। माओ के नाम बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए यूरोप के सफर पर रवाना हुए। रुखसत होते वक्त सब ने अपनी माओ बहनों और बीवी बच्चों को हौसला दिया होगा कि माँ बहुत जल्द घर के हालात अच्छे हो जाएंगे, बहन की शादी धूमधाम से करेंगे, सारा कर्ज चुका दूंगा, भाई को अच्छी तालीम दिलाऊंगा। बीवी को कहा होगा परेशान न होना, बच्चों का ख्याल रखना, जल्द तुम सबको बुला लूंगा, मकान भी बन जाएगा और बच्चों को अच्छे स्कूलों में तालीम दिलाएंगे। बहन को कहा होगा अच्छे दिन आने वाले हैं, तुमको सब कुछ लेकर दूंगा, तुम्हारी शादी धूमधाम से करूंगा, बस चंद साल की दो बात है, वगैरह वगैरह। मगर जाने वाले मुसाफिर को क्या पता था कि सब खौफ ही रह लेंगे और सबको रुला देंगे। माँ तुम्हारी राहें तकते तकते दुनिया ही छोड़ जाएगी और बहने बीवी बच्चे जीते जी मर जाएंगे। काश ऐसा ना होता, काश वैसा ना होता, मगर रब्बुल इज्जत को यही मंजूर था, वक्त आ चुका था, हमेशा रहने वाली जिंदगी इंतजार भी थी। काश मेरे वतन में ऐसा भी वक्त आए जब किसी माँ के बेटे, किसी बहन के भाई, किसी बीवी के शौहर और किसी बच्चे के बाप को कमाई के लिए बैरून मुल्क ना जाना पड़े। ऐ काश मेरा मुल्क खुशहाल हो जाए, उसे नेक और मुखलिस हुक्मरान मुयस्सर आ जाए, जो अपना नहीं अपने मुल्क की तरक्की का सोचें, फिर किसी को रोजगार की खातिर परदेश ना जाना पड़े, जुदाई ना काटनी पड़े। ऐ काश ऐसा हो जाए। अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके सबको जन्नत के दोस्त में जगह अदा फरमाएं और लवाहिकीन को सब्र जमील अदा फरमाएं और वतन अजीज से बेरोजगारी खत्म फरमाएं और एजेंट हजरात को इब्रत का निशान बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।